हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? ठीक ठाक, मजे में? इस सेशन में हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, पायधुत आवेश तथा क्षेत्र, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है। और आपके 15 चैप्टर है, तो हर चैप्टर का हम बनाएंगे। आज हम इस सेशन में फर्स्ट चैप्टर का बनाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही है, तो आप इसको देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो होता है कि एक सीरीज बना रहे हैं हम, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक वायु क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायु क्षेत्र होता है वो आवेशित कणों को ही विक्षेपित करेगा, और यहाँ पे जो गामा किरण है वो इस पर आवेश नहीं होता है, इस पर भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, यानी अल्फा कण को वायु क्षेत्र विक्षेपित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन आवेशित वस्तु में होता है, धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की कमी। 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करें, और n बराबर q बाई e, q 8 कूलम है और ये चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻¹90, और इसको जब हम साल्व करें तो ये हो जाएगा 5, और ये ऊपर गया तो 10⁻¹, यानी 5 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश के होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का आवेश के 2 गुना होता है, क्योंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम ऐसे लिखते हैं 4, और इसमें कितने कितने प्रोटॉन है, 2, तो प्रोटॉनों के आवेश के कितना हो गया 2e, यानी प्रोटॉनों के आवेश के 2 गुना होगा। क्वेश्चन, यदि 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा, फोर्स जो होता है कितना होता है, कूलम्बियन फोर्स, ये r डिस्टेंस पर है, यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज Q2, अब इस पर फोर्स लगता है F12 और इस 2 पर फोर्स लगेगा 1 के कारण, तो 2 1, और दोनों यहाँ पे देखे कि चार्ज 1 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो, तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, F12 = F21, तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, तो विद्युत रोधी माध्यम के लिए के की वैल्यू जो होती है 1 से ग्रेटर होती है, और ये 1 से ग्रेटर है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, मीन 6 होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ दूरी पर 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन के तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल, तो देखें कि केरोसिन का मतलब परावैद्युत माध्यम, और फोर्स जो होता है एयर में फोर्स होता है 1/4 πε₀, और क्यू Q1 Q2 r² और जब मीडियम होता है तो F m = 1/4 πε₀ और k और Q1 Q2 r² एक हमारा परावैद्युतांक है, यानी फोर्स जो होता है घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक यहीं से निकाल लेते हैं, ये ε₀ का मात्रक निकालना है, तो ε₀ को हम फोर्स की जगह पर ले आ देते हैं, फोर्स को उसके जगह, तो Q1 Q2 πε₀ r² और 1/4 π यूनिट लिखना है हमको, तो यूनिट के लिए वो लिखना कोई जरूरी नहीं है, कूलाम 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 का स्क्वायर अपान न्यूटन, और ये न्यूटन और इसका हो गया m², इसको जब हम ऊपर ले चलेंगे तो न्यूटन पर -1, मीटर पर -2 कूलाम² यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 समान आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रख दिया जाता है,
तीनों आवेशों के निकाय के संतुलन में होगा यदि क्यू का मान हो। तो पहली चीज तो देखें कि हमने रख दिया तो दो आवेश क्यू है और ये क्यू है, आर डिस्टेंस पर रखे गए, तो इनके बीच जो फोर्स हुआ वो कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन R² प्लस। अब इनके बीच में कहीं पे हमने ये रखा तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, ये फोर्स अब बैलेंस होना चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू कैपिटल क्यू बाई R² इक्वल टू जीरो। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो सॉरी R/2 का होगा, R/2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो R² 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो R² हम बाहर ले लेंगे, एक क्यू भी कॉमन दिख रहा है तो क्यू को भी कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा, और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर होगा, 4 4 ऊपर चला गया, यानी क्यू प्लस 4 क्यू इक्वल टू जीरो, कैपिटल क्यू निकालना है तो -Q/4, ये हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि वाई में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युतांक रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि परावैद्युत माध्यम में ले जाते हैं तो फोर्स जो होता है घट जाता है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी आर पर दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4Q-2Q है, गोलों के बीच आकर्षण बल F है, दोनों गोलों को स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। तो पहली चीज तो ये 4Q आवेश और -2Q आवेश आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q इंटू Q1 इंटू Q2 4 × 2 तो 8Q² / R, ये हो जाएगा R². अब जब इनको स्पर्श कराएंगे तो चार्ज शेयर होगा तो प्रत्येक गोले पर कितना चार्ज हो जाएगा, 4Q-2Q/2 इक्वल टू Q 2Q/2 तो Q, यानी प्रत्येक गोले पर अब आवेश कितना रह गया, Q रह गया। अब जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू Q² / R², यानी आप देखें कि 8 टाइम डिक्रीज कर जा रहा है ये फोर्स, तो F/8, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहिति, तो आवेश E/m निकालना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10^90 अपान द्रव्यमान होता है 9.1 × 10^31, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.77 × 10^11, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वायु क्षेत्र की तीव्रता E=EF/Q और F का न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक निकाय है, सिस्टम है जो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, और जो आवेश होते हैं अल्प दूरी, यानी ये 2L ले ले तो ये डिस्टेंस होता है, और P इक्वल टू होता है Q × 2L, और डायरेक्शन होता है निगेटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो ऋण से धन के, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P क्रॉस E होता है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां आर है अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थानों पर हम लोग फाइंड करते हैं, एक तो इसके एक्सिस पर अक्ष पर हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं और एक नीरज पर इस जगह पर, तो
तो अक्ष पर जो फाइंड करते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/r पर क्यू, और यहाँ पे जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r पर क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r³ के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा r³ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण के लिए क्यू इंटू 2L, और आवेश है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 और माइक्रो में होता है 10^6, और 2L मतलब टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 2 में 3 नहीं गुणा करेंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया, आवेशों के बीच की दूरी हो गई 3, और ये सेंटीमीटर है तो -2 कर देंगे मीटर में। अब ये 3 × 6 × 10^8 ये मिल जाएगा कूलाम मीटर, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, पहला तो हम लोग देखें कि E बराबर होता है EF/EF/IQ, तो ये होगा न्यूटन पर कूलाम, यानी ये होता है न्यूटन पर कूलाम। दूसरा होता है E=V/D, तो V का होगा वोल्ट और ये हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये भी होता है। अब तीसरा V=W होता है W/Q, V की जगह पर हम रख दें V की जगह पर W, तो W/Q·D, W का होगा जूल क्योंकि वर्क है, तो जूल, और ये क्यू क्यू है कूलाम, और ये क्यू और डी है कूलाम पर मीटर। यहाँ पे देखें जूल कूलाम ये भी करेक्ट है, यानी ये वाला वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होगा, ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक अल्फा कण इतने न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल, तो F=कितना होता है, Q·E, और अल्फा कण का आवेश 2E, और E का मान 15×10^2 कितना दे रखा है, 15×10^4, 2×1.6×10^-19×15×10^4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4.8×10^-14, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी गास का हम लोग को थ्योरम से देखें, ये था dA =Q·(Eψ/N₀). ये वैद्युत फ्लक्स है। हम एक बंद सरफेस ले लेते हैं और इसके अंदर एक ही वैद्युत द्विध्रुव रखकर समझ लेते हैं, तो ये -Q और +Q। अब तो नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो नेट चार्ज 0 है तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा इस बंद पृष्ठ से, तो ऑप्शन जो होता है ये डी वाला ये डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, R1 R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व तो बराबर है, पृष्ठों पर वायु क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है, तो ये आपको गोले वाला है और यहाँ पे कह दें, तो देखिए कि E1=E2 और ये होता है σ/ε₀, दोनों तो इक्वल है, ε₀ तो कांस्टेंट है, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, मीन्स E1 और E2 का रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। थैंक यू स्टूडेंट।